अब हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं फॉर लूप के थ्रू। ये प्रोग्राम क्या करेगा, 1 to 10 नंबर प्रिंट करेगा। इंटीजर आई हो गया फॉर, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। यहाँ पे मैं अभी क्या करता हूँ कि 5 कर देता हूँ ताकि मैं समझा सकूँ पूरे इटरेशन के साथ। यहाँ पे प्रिंट परसेंट डी आई कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इंटीजर, तो यानी कि हमारा इंटीजर एक जगह ये एड्रेस होगा जो भी है, 2400 कर दिया, आई हो गया 1 हो गया। यहाँ आई में हमारा 1 हो गया, एक ही बार इनिशियलाइज हुआ। फिर आई लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे आके आई में कितना वैल्यू है, 1 है, 1 प्रिंट कर देगा। यहाँ पे परसेंट डी के बाद एक स्पेस दे रखा है मैंने ताकि ये इसी वे में प्रिंट हो। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो तो स्लैश एन दे सकते हो, तो ऐसे प्रिंट होगा। अगर आप चाहते हो कि 1 2 थोड़ा सा स्पेस लेके दे तो यहाँ पे आप स्लैश टी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि कैसे आप आउटपुट चाहते हो। 1 हो गया। फिर अब क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट, ये प्रिंट किया, अब ये कंट्रोल हो यहाँ पे वापस जाएगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, आई प्लस प्लस। तो जैसे आई प्लस प्लस किया ये 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 इज़ लेस देन 5, यस, तो फिर ये क्या प्रिंट कर देगा, 2। फिर ये आएगा, फिर ये 3 होगा, चेक करेगा 3। देन अगेन ये 4 होगा, चेक करेगा, सही है। 5 होगा, चेक करेगा 5। और उसके बाद 6 होगा, 6 यहाँ फॉल्स हो गया, डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप आके प्रिंट करो, प्रिंट एफ अगर आई हम करते हैं तो वो 6 हो जाएगा, तो इससे भी वेरीफाई हो जाएगा कि नहीं आई सच में 6 हुआ था, इसीलिए हमारा जो लूप है ये फेल हो गया। तो ये हमारा इसका आउटपुट हो जाएगा। एक और कंडीशन, यहाँ आई प्लस प्लस की जगह आप लिख सकते हो आई प्लस इक्वल टू 2, यानी या आई प्लस या आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। तो उस वक्त क्या होगा, एक के बजाय दो दो इंक्रीमेंट होगा, तो जितना इंक्रीमेंट करना चाहते हो आप हो सकता है। अगर आप चाहते हो ऑड नंबर सारे प्रिंट हो, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस के बजाय आप लिख सकते हो आई प्लस इक्वल टू 2, जो कि हम कंपाउंड स्टेटमेंट देखे थे, या आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, दोनों सेम है। तो उस तरीके से क्या होगा, दो दो इंक्रीमेंट होगा, 1 3 5 7, तो इस तरीके से प्रिंट होगा। दूसरा एग्जांपल हमें देखते हैं, ये क्या होगा, ये 5 का टेबल प्रिंट करेगा। सेम है, फॉर आई इज इक्वल टू आई हम 1 से 10 कर रहे हैं, और जो भी यहाँ पे प्रिंट करो उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 का टेबल हो जाएगा, क्योंकि 1 to 10 हम मल्टीप्लाई ही तो करते हैं। यहाँ पे 3 कर दे तो 3 का टेबल हो जाएगा। आप खुद से एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो जिसमें यूजर से पूछो आप कि कितने का टेबल प्रिंट करना है। यूजर जितना नंबर देगा, जैसे 10 20 30 40, ये कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम प्रोग्रामर हैं, जितने कर दे उतने का हम टेबल प्रिंट कर सकते हैं। बस हमारे यहाँ पे जो है नंबर फिट करना है, हमारा प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा उसका टेबल।